हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं गैंगटॉक के एमजी मार्ग में और आफ्टर लॉकडाउन मोर देन टू मंथ्स एक्चुअली यहाँ पे हम लोग आए हैं। सो अभी हम एक ख़तरनाक सीढ़ी के नीचे है, बस ये सीढ़ी क्रॉस करने से हम एमजी मार्ग में पहुँच जाएंगे। सो मैं आपसे मिलूँगी ये सीढ़ी क्रॉस करके एक बार आपको। सो गाइस, हम लोग अभी उठ गए हैं और ये देखिए सीढ़ी, कितना सारा सीढ़ी उतर के यहाँ पे आना है। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ एमजी मार्ग आफ्टर लॉकडाउन। और ये इधर दोस्तों, इसको लाल बाज़ार कहते हैं। ये एमजी मार्ग से सीधे नीचे आता है और काफ़ी लंबा ये भी एक मार्केट होता है और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती वगैरह ऐसा ही होती है। तो चलिए यहाँ का भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स देख लेते हैं। बाकी बहुत सारी दुकान यहाँ पे ऑलरेडी बंद हुए थे, तो एक शॉप में हमें जाना था, कुछ सामान लेना था, तो इसीलिए हम वहां पे गए थे। देखिए बस अब घर आने की बारी। हमारा जो आज का दिन था वो खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग गए थे थोड़ी बिग बाजार, और बिग बाजार में भी हमारा ज्यादा एसेंशियल्स का, ग्रॉसरी एसेंशियल्स थोड़ा बहुत खरीदना था, तो वो हम लेके बस वापस आ रहे हैं घर। और घर आके ही मैं आपके साथ मेरी ग्रॉसरी की जो शॉपिंग है वो जरूर शेयर करूंगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ आज के ये दो ऑयल कंटेनर से। ये दो ऑयल कंटेनर्स मैंने डिस्पेंसर्स और ऑयल कंटेनर, ये भी मैंने लिया है बिग बाजार से, और ये ऑफर प्राइस में था। इट वॉज फॉर अबाउट 499 ईच, और ये मुझे ऑफर प्राइस में मिला 199, विच वॉज अ गुड डील। सो अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स ये ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ। सो प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए ये कैसा है, क्या है। देखिए सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर मेरे कॉमेंट बॉक्स में। अभी के लिए और क्या लिया है, और इसके लिए मैंने इसके नीचे ये दो ऑयल कंटेनर्स के नीचे देने के लिए मैंने ये ट्रे लिया है, ये भी बिग बाजार से ही है। सो अभी अच्छा ये है मेरी फेवरेट वन शीज़न चटनी, जो मैं करीब करीब खुद के लिए हर चीज़ में ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो लेकिन बहुत सारे एसेंशियल के अंदर ही आता है। इसके बाद ये हमने एक बड़ा सा पैकेट हॉर्लिक्स का लिया है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, तो ये मुझे हमें कंज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो 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 पैकेट का एक साथ कॉम्बो पैक था, और ये कंटेनर उसके साथ फ्री था, विच वॉज अगेन गुड डील। उसके बाद है ये और
साउथ का, सो इसके ब्रांड मुझे बहुत सारे पसंद है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके ऑर्डर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अपने अगले वीडियोज में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद आता है वही सब राजमा, जो ये है होली मसल, ये भी हमारे बंगाली किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके अभी बड़ा सा जंगल मैंने ले लिया है। तो उसके बाद ये जायफल, जावित्री और जायफल या नटमेग का एक पैकेट, और ये एक डिटर्जेंट का पैकेट, जो ये मैंने मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरी मशीन के लिए भी एकदम अप्रोप्रिएट है, सो आई रियली लाइक इट। एंड इसके बाद ये मैंने चाय का, चाय की पत्ती का बड़ा सा पैकेट ले लिया है, और ये चाय पत्ती मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये है आसाम की, इनका हमें बहुत पसंद आता है, क्लासिक ब्लैक का। तो उसके बाद है ये एक डिश वॉशिंग लिक्विड लिया है, ये भी मेरा आइटम ख़त्म हो गया था, बहुत सारी लगती था ये मुझे। उसके बाद ये कम्फर्ट लिया है, उसके बाद ये एक चाय की छन्नी है, मेरे पास एक चाय की छन्नी था, वो उसका जो हैंडल निकल गया है, एनी हाउ सो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद ये किचन नाइफ, मुझसे मेरा वाला किचन नाइफ ना मेरे से टूट गया था, सो आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर वन न्यू वन, और स्पेशली ये वाला नाइफ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे बहुत सारा सब्ज़ी, किचन नाइफ है आप सबको पता ही होगा, बहुत सारा सब्ज़ी साग वगैरह अच्छी तरीके से काटा जा सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी था ऑफकोर्स। उसके बाद लिया है ये है हमारे लिए खजाने की तरह, क्योंकि ये है खसखस पोस्टर और पॉपी सीड्स, क्योंकि ये बीमारी में हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे लिए और कुछ भी ना हो पा तो चलेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ट्रेजेडी ये हो गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, हमें ये पोस्टर मिल गया, सो जो भी लोकल ब्रांड्स के मिल रहे थे नॉट सो मच, सो हमें ये खरीदने हुआ नहीं खरीदा हमें, तो कल जब ये पसंद मुझे दिखाता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, हमने पोस्टर के लिए आया तो हमारी गलत से पोस्टर करेंगे। सो ये हो गया पोस्टर का पैकेट, लेकिन बहुत लकीली ये है कि मीडिया अभी अनलकीली ये है कि और ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम लोग दो तीन पैकेट्स और ले लेते, एक ही सिंगल पीस बना हुआ था मेरे पास। तो और यह है ये इंस्टेंट नूडल्स लिया है, पता है अच्छी बात नहीं है खाना, लेकिन कभी कभी चलता है। उसके बाद ये टेस्टी चीट का सॉस ले लिया है, टोमेटो सॉस, जब वो फैक्ट्री है ये बहुत दिन चल जाता है मेरा, तो इसीलिए, और मेरा वाला एकदम खत्म हो गया था, यही वाला पैक मैं 3 महीने पहले लेके आई थी, तो पूरा खत्म हो चुका था। उसके बाद मैंने लिया है ये टेस्टी ट्रीट का ही दो सोया सॉस और एक वेनेगर का बॉटल, उनके पास और कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सो आई हैव टू स्टिक फॉर दीज टू। एंड उसके बाद और ये है, हमने ये लिया है, ये क्या है, ये कंटेनर का सेट है, जिसका ऑलरेडी 2 सेट मेरे पास अवेलेबल है, और 3 चीज अवेलेबल थी, इसीलिए ये वाली सेट मुझे लेनी पड़ी, विच आई रियली लाइक, बिकॉज ये ग्लास कंटेनर है और मेरे पास काफ़ी सारे प्लास्टिक की कंटेनर्स हैं, जो यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी मेरे हस्बैंड का तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ग्लास कंटेनर्स में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है इधर से उधर करना। उसके बाद मेरी एक छोटी बेबी है जो कि 1.5 साल की है सिर्फ, सो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टेंशन होता है कि कांच का चीज़ें कहीं टूट जाए, उसका लग जाए, रुक जाए तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर रही हूँ कि बैलेंस हो जाए, तो इसीलिए ये इसका एक पूरा सेट मैंने ले लिया है। अभी सेट में जब मैं आपको मेरा किचन दिखाऊंगी तब आपके साथ मैं दिखाऊंगी, इसका मैंने नौ का सेट बना लिया है, और बस वही एक वेनेगर वनीला एसेंस का पैकेट लिया है, और ये चॉकलेट सॉस का बटर लिया है, एंड दैट्स ऑल। और वीडियो अगर किसी भी रीज़न से आपको अच्छा
प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब और मैं उम्मीद करूँगी आपको कोई भी रीज़न से अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इसमें चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ज़रूर आपको आपके पास लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे वीडियोस के बारे में कोई भी अलग से वीडियोस के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।